नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। परमात्मा से आपकी खुशियों की हमेशा कामना करती रहती हूं और परमात्मा से निवेदन करती हूं कि आप सभी को भगवान खुश रखे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज का वीडियो हमेशा की तरह खास है। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगी चैनल को इतना प्यार करने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आप लोगों के प्यार का ही नतीजा है कि चैनल इतना ग्रो कर रहा है। 2000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं जिनको निरंतर आप देख रहे हैं, सराह रहे हैं। आप ज्योतिषीय परामर्श भी ले रहे हैं और आपको फ़ायदा भी हो रहा है उससे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि मैं ज्योतिषी हूँ, वर्षों से साधना कर रही हूँ ज्योतिष पर। आप चाहें तो अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। यदि आपकी कुंडली नहीं है तो आप प्रश्न कुंडली के ज़रिए ही अपनी फ़ोटो दिखाकर भी परामर्श ले सकते हैं। हम रेकी हीलिंग भी करते हैं, इसके अलावा हम एंजल हीलिंग भी करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ कुछ भी आने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, जिस पोजीशन में भी आप हैं, मतलब कुल मिला के जहाँ भी आप रहते हैं, वहीं से डिस्टेंस हीलिंग हम आपको दे सकते हैं। तो डिस्टेंस हीलिंग करवा कर भी आप बहुत सी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ रसोई की एक बहुत बड़ी गलती के बारे में, जो अक्सर लोग करते हैं और उन्हें इसका पता ही नहीं होता है। तो जानते हैं वो गलती कौन सी है। मित्रों, जिस वक्त आप आटा लगाते हो, आटा गूंथते हो, आटा सानते हो, कई बार आप आटा निकाल लेते हो पीपे में से, जहाँ पर क्योंकि आटा रखते हैं, आटे के कंटेनर में से आटा निकाल लेते हो। फिर अचानक से आपको लगता है कि अरे आटा तो थोड़ा ज़्यादा आ गया, फिर उसमें से आटा निकाल कर एक दो मुट्ठी वापस कम कर देते हो और बस यहीं से सारी गड़बड़ चालू होती है। कभी भी आटा जब आपने एक बार निकाल लिया है गूंथने के लिए, घर के सदस्यों के बनाने के लिए, पुनः उसमें से ही आटा निकाल कर वापस डिब्बे में नहीं डालना चाहिए। जितना निकाल लिया तो निकाल लिया, उसका बनाओ कुछ भी करो, लेकिन उसमें से वापस आटा निकाल कर कंटेनर में कभी भी मत डालो। ये घर के सदस्यों की संख्या का ह्रास होना बताता है, जो कि किसी भी कीमत पर शुभ नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये गलती अगर आप करते हैं तो इस गलती को आप रोक दीजिए। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो इसे मानते हैं और विश्वास करते हैं। यदि आप इनमें बिलीव नहीं करते हैं तो आप वही करें जैसा आप चाहते हैं। मेरा काम हमेशा से रहता है आपको सही जानकारी देना, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी आप आटा निकालते हैं, तो कई लोग पलोथन वैसे तो अलग बॉक्स में ही रखते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, आटा निकाला और उसमें से ही फिर पलोथन निकाल कर साइड में रख देते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। जो आटा आपने गूंथने के लिए निकाला है उसी आटे को आप पूरा गूंथ लीजिए। पलोथन के लिए अगर आप कोई बॉक्स नहीं रखते हैं तो सेपरेटली पलोथन के लिए अलग से आटा निकालें। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हम भारतीय महिलाएं छोटी छोटी बातों में शुभता और उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि शुभता बनी रहे और मनुष्यत ना पैदा होने पाए। तो इसलिए शुभता का जो ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों में शकुन अपशकुन को देखते हैं, क्योंकि ये बातें बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं बनाई है। शकुन शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ी वैज्ञानिकता को लिए हुए है। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे जिनको हम टोट के बोलते हैं, ये हमारे जीवन में खुशियों को भरने में काफ़ी समर्थ होते हैं। तो इनको करने से शायद हमारा मनोबल ही बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, इसीलिए इनका निर्माण हुआ है। वजह कोई भी रही हो, लेकिन मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। तो आटे का ये जो टोटका है किचन में ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा करने से आपकी कई समस्याएं दूर होंगी और खुशियां घर में बरकरार रहेंगी।